नमस्कार दोस्तों, अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हो तो आपने कैलकुलेटर में मौजूद बटन्स MC, MR, M+, M- जरूर देखे होंगे, लेकिन फिर भी आपने इनका इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि MC, MR, M+ और M- इन बटन्स का क्या मतलब होता है, ये बटन्स कब और कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट बात आपसे छूट ना जाए। शुरुआत करते हैं M+ से। इसका मतलब होता है मेमोरी प्लस, यानी कैलकुलेशन को मेमोरी में जोड़ना। सीधी भाषा में समझे तो दो अलग अलग अंकों को गुना कर उनके गुणनफल को आपस में जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमें कुल दो कैलकुलेशन करनी है। हमारे पास 10 रुपए की 8 नोट है और 20 रुपए की 3 नोट है और इन सब को हमें जोड़ना है। तो हम सबसे पहले 10 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे और M+ दबा देंगे। M+ दबाने से रिजल्ट से हो जाता है। उसके बाद 20 और 3 को मल्टीप्लाई करके M+ दबा देंगे। अब हमारे दोनों कैलकुलेशन से हो जाते हैं। अब हम पूरा कैलकुलेशन देखने के लिए MR बटन दबा देंगे। MR का मतलब होता है मेमोरी रिकॉल, जो हमारे फाइनल रिजल्ट को दिखाता है। दोस्तों, अब M- का मतलब जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान में रहे कि कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले MC बटन दबाना जरूरी होता है। MC का मतलब होता है मेमोरी क्लियर। ऐसा ना करने पर आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है। अब बात करते हैं M- की। इसे देखते ही आप बता सकते हैं कि इसका मतलब मेमोरी माइनस है। इस बटन का उपयोग दो अलग अलग मल्टीप्लिकेशन को आपस में घटाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हमें कुल दो कैलकुलेशन करनी है। हमारे पास 10 रुपए की 8 और 20 रुपए की 3 नोट है। हम सबसे पहले 10 और 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और M+ दबा देंगे। बाद में 20 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करके M- दबा देंगे और अंत में फाइनल आंसर के लिए MR दबा देंगे। हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। दोस्तों, किसी भी दो मल्टीप्लिकेशन का घटा करते दौरान ध्यान रहे कि जिस दो अंकों का मल्टीप्लिकेशन किया है उसमें से सबसे पहले अंक का साइन वाला M बटन ही मल्टीप्लिकेशन के बाद दबाना होता है। यानी हम अगर पिछला एग्जाम्पल एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा 10 × 8 − 20 × 3। अब इसमें दो मल्टीप्लिकेशन है, पहला ये और दूसरा ये। अब पहले मल्टीप्लिकेशन में पहला अंक पॉजिटिव है, यानी मल्टीप्लिकेशन के बाद M+ दबाएंगे, और दूसरे मल्टीप्लिकेशन में पहला अंक निगेटिव है तो मल्टीप्लिकेशन के बाद M- दबा देंगे और अंत में MR दबा देंगे। ये स्टेप्स फॉलो करके आप कितनी भी बड़ी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।